आप सिर्फ 2 या 3 मिनट आप सिर्फ वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। जालिब साहब की जो नज़म पढ़ते हैं शहबाज शरीफ साहब, दीप जिसका महल्ला थी मजले, चंद लोगों को खुश, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ये जो नज़म है जालिब साहब ने इन लोगों के ख़िलाफ़ लिखी और यही लोग उठकर जालिब साहब की नज़म पढ़ते हैं अपने जलसों को गरमाने के लिए, उनकी सियासी शायरी का सहारा भी लेते हैं। इन्होंने क्या काम किया जालिब साहब के लिए? इन्होंने ये एक ही काम किया कि उनकी बेगम को दाखिल करवा दिया हॉस्पिटल में, ये काम किया उनके लिए? उनके लिए प्रैक्टिकली क्या क्या काम किया? कुछ भी नहीं काम किया। हम लोगों ने अगर उनसे पूछा, हम लोगों ने अगर डिमांड की कि जी हम लोगों को, हम जालिब साहब के बच्चे हैं, हम एक मज़दूर बाप के बच्चे हैं, हम लोग भी मज़दूर, हमारे अंदर भी उनका खून है, हमें भी कोई काम दे दिया जाए, कोई मेहनत, हम मेहनत करना चाहते हैं, हमें कोई जो ऑनरी जॉब अगर आप हमें दे सकते हैं तो आप हमें वो दे दीजिए। हम लोगों को कोई इमदाद नहीं चाहिए, हम लोगों को कोई पैसा नहीं चाहिए। गिरफ़्तार होने से पहले वो जानते थे कि मैं गिरफ़्तार होने वाला हूँ, मुझे मेरे पीछे काफ़ी लोग पीछे पड़े हुए, और हमें यही बताते थे कि बेटा अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊं तो आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप लोगों ने, आपको खाना मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। हम लोग जाहिर है हम लोग डरते थे, पुलिस हमारे घर के ऊपर होती थी, गली में होती थी, दरवाजे के ऊपर खड़ी होती थी, और कभी वो कहीं कोई कहीं पर छुप के खड़ा होता था कि इधर से जालिब साहब आएंगे इधर से पकड़ लेंगे, कोई इधर से आएंगे इधर से पकड़ लेंगे जालिब साहब को। नो डाउट कि फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत बड़े शायर थे, और उनके लिए अपना आलमी सतह पे मेले होते हैं, उनके लिए हुकूमत मेले कराती है, उनकी फैमिली उनके मेले कराती है, अवामी वर्कर्स पार्टी भी करवाती है। तो जालिब साहब गरीबों के शायर थे, तो जाहिर है उनके लिए गरीबों ने खड़े होना, उनके लिए वो ख़वातीन के शायर थे, ख़वातीनों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो जाहिर है जालिब साहब की और क्लास है, और फैज़ अहमद फैज़ साहब की और क्लास, वो एलीट क्लास के शायर थे जालिब साहब, गरीबों के शायर थे। एक दफ़ा फैज़ साहब ने जालिब साहब से कहा कि जालिब तुम इनकलाबी नज़में तो बहुत लिखते हो, बहुत लिख ली हैं, बहुत ज़्यादा लिख ली हैं, अब एक गज़ल होनी चाहिए। तो जालिब साहब ने एक गज़ल लिखी जो फैज़ अहमद फैज़ साहब के कहने पर लिखी। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा हैं मेरी राहें, मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा हैं मेरी राहें, मेरे इर्द गिर्द आंसू, मेरे आस पास आहें, मैं गज़ल कहूँ तो कैसे।